हमारे फोरम की आ, आ, जो हमारी मीटिंग आपने बोला कि हर महीने हम मिलते हैं तो हमारी मीटिंग्स का आई थिंक सबसे बढ़िया एक टॉक रहा है एज ए स्पीकर आप आए हैं थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ थैंक यू जी थैंक यू अभी हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जरूर जी। और ये उस शायराना ढंग से तो नहीं पूछ पाएंगे आपसे सवाल लेकिन फिर भी इनके मन में कुछ सवाल रहेंगे आपने ये शायरी कब चालू करी पहले तो मैं जो आपने कहा कि ये बातें लोगों तक पहुंचती है मनीष हाँ। जी तो मेरे इतने सालों का ये अनुभव ये बिल्कुल है कि जब दिल से बात निकलती है ना तो सामने वाले के दिल तक बिल्कुल पहुंचती है जी बिल्कुल है ना खुश क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया कि आपके साथ जो भी है बस आपने उससे दोस्ती कर लेनी है है ना बस उसको दोस्त बना देना है आज भी कई बार सुबह महाबलेष्वर से निकलता हूँ तीन बजे यहाँ सात साढ़े सात की फ्लाइट होती है बेंगलोर दिल्ली हैदराबाद होके रात को नौ साढ़े नौ बजे वापस आना पुनः और दो एक बजे तक वापस मैं घर भी पहुँच जाता हूँ और फिर चेहरा लटका कर छोटा सा चेहरा करके नेताजी दरवाजे पी होती है वेलकम करने के लिए मैं कहता तो आज बहुत गड़बड़ हो गई बहुत क्या बताऊँ उसको भी लगता है कि जरूर कुछ आज गड़बड़ हो गई और फिर परेशान सा चेहरा बना के और जाता हूँ फिर फिर नेताजी से धीरे से कहता हूँ क्या बताऊँ नेताजी आज इतनी गड़बड़ हो गई कि उस इंडिगो के एयर होस्टेस ने मुझे फ्री में कैफे चिनो पिला दी है ना <laughs> ये, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये लोगों से जुड़ाव होता है है ना जब रिस्पेक्ट का जब बावजी में मैं घूमता था अपने प्रोडक्ट लेके अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग जहाँ पे मैं प्रदर्शनी लगाना था तो वहाँ ड्राइवर कंडक्टर को भी दादा काका कह के हमारे काम हो जाते थे तो जब ये रिस्पेक्ट का भाव बड़ा जरूरी और बात जो आपने कही शायरियों की तो स्कूल के वक्त से ही डेडी अपनी फैक्ट्री में से दिहाड़ी मजदूर थे स्पन पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में उनके पास एक एक छोटा सा जूना सा सेकंड हैंड टैप रिकॉर्डर था तो बुधवार के दिन जब लाइट नहीं होती तो उनकी फैक्ट्री बंद होती तो दोपहर के बाद वो अपनी गज़ल वगैरह लगा के सुनते और फिर वो बेगम अख्तर गाते होते कि हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब आई बरसात और बरसात ने दिल तोड़ दिया और वो दस बारह साल का भावेश बिल्कुल अपने डेडी से पूछता कि ये साथ में शराब कैसे बरसती है और तब डैडी मुझे समझाते कि वो गजल गायक क्या कहना चाहता है और मुझे लगा ये तो बड़ी प्यारी बात है और स्कूल तो टेंथ तक आते-आते कॉलेज तक आते-आते तो मैं बातें शायरियों में करने लग गया था मनीष जी है? ये तो गनीमत है नीता जी का कि वो गजल के रूप में आ गई तो शायरिया कहीं पीछे छूट गई मेरे आज क्या बातें आ बातें करीब करीब 5500 से ज्यादा शायरियां मैंने अब तक लिखी है करीब बीस 22 दिन ट्रैवलिंग करता हूँ तो उसका पूरा फायदा मैं मेरी कविताएँ और सायरियां बनाने में लगाता हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मुझे, मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस में काफ़ी लोग हैं जिनके पास कुछ सवाल रहेंगे और आ, आप लोग अपने सवाल माइक है ऑडियंस में यस या हु लाइक टू अ क्वेश्चन कौन सवाल पूछना चाहेगा हाँ ah, जी उधर भावेश जी आपके डॉक्टरेट के बारे में हम कुछ सुनना चाहेंगे आप, आप जी जरूर जी आ, आ, ये वैसे मेरे पास एमए की फर्स्ट क्लास की दो दो डिग्रियाँ एम इकोनॉमिक्स और एम साइकोलॉजी लेकिन लास्ट इतने सालों की सनराइज कैंडल की जो जर्नी रही तो कुछ प्राइवेट सात यूनिवर्सिटीज़ जो थी उनको लगा के मुझे डॉक्टरेट की डिलीट देनी चाहिए तो इस तरह से ये डॉक्टरेट जुड़ा लेकिन अभी रिसेंटली कर्नाटक की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है रानी चिन्नमा यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो पहली बार किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के तरफ से सरकारी यूनिवर्सिटी के तरफ से भी मुझे आठवीं डॉक्टरेट मिली स्वरूप रंजन जी जो हमारे आ, इसरो के माजी चेयरमैन हैं और गवर्नर कर्नाटका वजूभाई वाला जी के हाथों ये डॉक्टरेट की आठवीं जो डिलीट थी वो प्रदान की गई तो इस तरह से ये डॉक्टरेट जुड़ी मेरे साथ में लेकिन आ, मुझे लगता है कि आ, जिस दिन मैंने पहली कैंडल बनाई थी शायद मैं इस कैंडल इंडस्ट्री में तो डॉक्टरेट मैंने उसी दिन पा ली थी हाँ जी बिह हाँ महेश नमस्ते भावेश जी नमस्ते जी आपकी सनराइज कैंडल का इफेक्ट यहाँ पे तो दिख रहा है क्योंकि आपने न सिर्फ हम लोगों को जो है आपके हमारे दिलों में आपने आज फायर किया है सबके था 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 था। और इसकी जो खुशबू है मेरे को लगता है कि आज जो इंडस्ट्री हमारी सबकी जो जा रही है मंदी थे जी तो यहाँ वो खुशबू ऐसी है कि सबको आज मोटिवेट कर दिया इतना उत्साहित कर दिया कि जिसके भी मन में अगर कुछ रहेगा वो शायद कल से डबल जोश से काम करेगा बिल्कुल मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जर्नी जो चालू हुई थी वो पांच किलो के वैक्स से चालू हुई और आज करीबन दो टन आप हमेशा जो है अभी कर रहे हैं प्रोडक्शन और 25 करोड़ का आपका जो टर्न ओवर है तो ये जो जर्नी हुई थी इसमें आपने ऐसा कब मोमेंट आया कि कि आपने सोचा कि मुझे ये मुकाम तक जाना है और मेरे सिस्टम या ऐसे होने चाहिए इसमें जो रिसर्च कहते हैं जो इम्पोर्ट के रिसर्च है हमारे डाटा जो या जो आई, आई के कुछ रिसर्च है जो तो थाउजेंड्स ऑफ करीब दस करोड़ से ज्यादा की कैंडल्स तो आज भी हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं हमारे और जो एशियन कंट्रीज़ हैं चाइना जापान इंडोनेशिया थाईलैंड मलेशिया उनसे हज़ारों करोड़ की कैंडल्स इंपोर्ट होती है लेकिन मुझे इन सत्तावीस सालों के सनराइज़ कैंडल के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैंने शुरुआत भर की है अभी तो इसमें बहुत बड़ा समंदर है बिज़नेस में और बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी है क्योंकि हमारे हर त्यौहार उजाले से कनेक्टेड हैं शादी ब्याह होटल्स पाग गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट ट्रेडमार्क सिंबल्स और जैसे मैंने कहा कि इसमें इतनी बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे ऑर्डर्स हैं ऐसे ऐसे काम हैं तो अभी तो ऐसा लगता है कि शुरुआत भर हुई है मैं बिल्कुल जो भी हमने इसमें अचीव किया बिजनेस में उससे मैं बिल्कुल अभी भी इतना संतुष्ट नहीं हूँ अभी तो शुरुआत भर है काफ़ी हजारों हाथों को लाखों हाथों को अभी और इसमें संधि देने की जरूरत है इनको दिया जा सकता है काम और गवर्नमेंट भी अब ये मेक इन इंडिया स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट पे काफ़ी फोकस करती हैं क्योंकि होता ऐसा है कि एक दिव्यांग कैटेगरी हो या आम कैटेगरी हो डिग्रियाँ आसान है आप थोड़ी मेहनत कर लें तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आप सहज हो जाते हैं लेकिन उसके बाद मेरा हर एक दिव्यांग मित्र यही कहता है कि अब मैं यूपीसी एमपीसी क्रैक करूंगा मुझे बैंक जॉब भी चाहिए मुझे गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए तो इतने व्हाइट कलर जॉब लाए कहाँ से तो ऐसे छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के काम है उसको लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं काफ़ी इसमें अपॉर्चुनिटी है अच्छा इसमें सिर्फ ये ऐसा नहीं कि ये 25 करोड़ या सिर्फ मेरे कुछ हज़ार दिव्यांग मित्र या ब्लाइंड मित्र इसमें जुड़ गए इसके अलावा हमने काफ़ी रिसर्च के बाद में पाया कि जो पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब भी कैंडल्स थी पुरानों में भी कैंडल का जिक्र आता है तो वो कैंडल्स कैसे बनती थी तो पता चला कि वो बीज वैक्स से बनते थे उन दोनों फॉरेस्ट भी ज्यादा होते थे और काफी बीज वैक्स जो हनी बीज वैक्स है वो उपलब्ध होता था तो हमने फिर काफ़ी कॉपरेटिव सोसाइटी और काफी किसानों को हमारे साथ जोड़ना शुरू किया खादी ग्रामोद्योग को हमने विश्वास में लिया आज करीब साढ़े छः से सात हजार किसान मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हम उनको पेटियां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो अपने खेतों में लगाते हैं जो हनी निकलती है उससे उनकी इनकम बढ़ी जो वैक्स निकला उन्होंने हमें ला दिया हमने हमारे प्रोडक्ट में यूज़ किया और तीसरा जो फायदा हुआ कि जो परागन की समस्या थी उनके खेतों में वो भी काफ़ी हद तक उनको दूर हो पाई और ये जो हर्बल वैक्स जो ये बीज वैक्स हमारे साथ जुड़ा इसके साथ हमने सोयाबीन में से वैक्स बनाया हमने इसको पाम ट्री में से वैक्स बनाया इंडियन ऑयल हमें पैराफिन वैक्स चाहिए उतना देती है तो इन सब के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा अच्छा क्वालिटी वाला कैंडल तैयार हुआ जिस वजह से हम इस स्पर्धा इस प्रतियोगिता के इस मंदी के युग में भी हम बिल्कुल सर्वाइव कर पंद्रह से बीस परसेंट के ग्रोथ के साथ हमारी कंपनी एवरी ईयर आगे बढ़ रही है तो हमें इससे इससे मंदी का कोई इसे मुझे नहीं लगता कि कोई खास हमें नुकसान हो रहा है हाँ, चाइना के कैंडल मैन्युफैक्चर शायद हमसे जरूर अब डरने लगे होंगे यह मैं बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूं क्योंकि हमने टोटली आज विदेशों पर डिपेंड होना शुरू कर दिया कि वहां की चीजें ही अच्छी होती है ऐसी एक मानसिकता हमारे अंदर बन गई मनीष जी और मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है दो तीन साल पहले मैंने एक न्यूज सुनी थी कि दिल्ली में जो डेंगू का प्रकोप चला था तो बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने साइंटिस्ट ने कहा कि इस डेंगू के मच्छरों को मारने के लिए कुछ ऐसे भी मच्छर होते हैं जो डेंगू के मच्छर को मार देते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट ने तुरंत तुरंत तुरं एक अनाउंसमेंट की कि हम चाइना से वो मच्छर मंगवाएंगे मतलब इतने गए गुजरे हो गए कि हम मच्छर भी चाइना से मंगवाएंगे तो ये ये डिपेंडेंसी कहीं से भी कम होनी जरूरी है तो हमने उस स्किल पर काम करना शुरू किया मुझे लगता है कि ये पच्चीस करोड़ नहीं आज हजारों हाथों को रोजगार देकर इसमें कितने और भी शून्य लगाए जा सकते हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं और हमारी बनाई हुई कैंडल कोई लाइट जाने के शुरुआत में था जब प्लेन कैंडल से मैंने शुरुआत की थी तो मेरा ध्यान कोयना धरन की सतह पर रहता था कि वो कोयना धरण का पानी कम होता था और मेरी डिमांड बढ़ जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं रहा हमारी कैंडल लाइट जाने के बाद नहीं जलाई जाती लाइट बंद करके जलाने वाली कैंडल से हमारे जी लेकिन 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 एक बात मैं एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आप तो अब तो करोड़ों अबजो कैंडल्स हमने बना ली वो प्रज्वलित हो गई लेकिन अब मेरी और नेताजी का जो ध्येय है ये बार की कैंडल की ओर नहीं बस ईश्वर से खुदा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये अंदर की कैंडल आज नहीं तो कल जल जाए क्योंकि अब ये हमारे लिए कोई एक बिजनेस या पैसा कमाना नहीं ये हमारे लिए एक यज्ञ है एक चड़वड़ है आज फोर्टी नाइन की उम्र में मेरी सेकेंड थर्ड जनरेशन तैयार हो चुकी है तो बस मैं चाहता हूँ कि उनको सबको लेके आगे बढ़ूँ या मेरे परम मित्र सुहास भाई भी शायद इस सभागृह में आ चुके हैं उनकी जमीन पर उन्होंने जो जमीन का डेढ़ एकड़ का टुकड़ा महाबलेश्वर में दिया आज करोड़ों की जमीन उन्होंने फ्री में मुझे दे दी कि नहीं भावेश यहाँ पे अपनी फैक्ट्री डालते हैं और वहां से जाके इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो ऐसे दोस्त जुड़े बड़े भाई की तरह अच्छे दोस्त जुड़े तभी हम ये मुमकिन कर पाए हमने ओसोनिक विजन नाम का एक ट्रस्ट करके इन सभी प्रोजेक्ट को ट्रस्ट को समर्पित कर दिया मेरा एक लड़का है जो अभी चेन्नई में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है और मनीष जी वो फर्स्ट ईयर से मुझसे फीस भी नहीं लेता वो अपना पार्ट टाइम जॉब कर अपना पूरा खर्चा निकाल लेता है तो बस हम चाहते हैं कि भी जो भी कुछ जोड़ा गया ये हमारे दिव्यांग मित्रों को आगे चलकर काम आए थैंक यू जवाब थोड़ा बड़ा हो गया उसके लिए ऋषि नमस्ते भाभी जी नमस्ते yeah, आपने अभी जो कुछ भी कहा उसमें बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि हाथों को काम देना आज ऑटोमेशन का जमाना है मशीन्स का जमाना है जी और आपका हाथों पे इतना भरोसा कैसे है मशीन से एक ही डिजाइन आप डेवलप कर सकते हो आप कैंडल इंडस्ट्री ये है ही ऐसा कि ये पूरा हैंडक्राफ्टेड काम होता है तो आप अगर एक डिजाइन बनाना चाहते हो भले बल्क में बनाना चाहते हो तो उसकी मशीन बिल्कुल आप बना सकते हो लेकिन अगर आपको रोज कुछ नई डिजाइन अब ऐसा होता है कि कस्टमर जो जुड़ते हैं नए ये 10,700 हजार डिजाइन हम उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो दस एक भी डिजाइन हमसे डिमांड करता है उसको ये 10,700 डिजाइन में रुचि नहीं होती वो कहता है कि हमें कुछ और नया दो तो इतने मशीन्स कहाँ से निकालें इतने मशीन्स में इन्वेस्टमेंट और उसको जगह भी ज़्यादा लगती है तो इतनी जगह भी कहाँ से निकालें तो ये जो मैन्युअली काम है उसी से ये प्रोडक्ट हो सकते हैं एक डाई से करीब करीब सौ से डेढ़ सौ डिज़ाइन अलग अलग हो जाती है लेकिन उसके लिए मैन्युअली काम करना बहुत ज़रूरी है तो इन तमाम तमाम मेरे ब्लाइंड मित्रों के जो ये पाँच और पाँच दस दस आँखें जो ईश्वर ने हमें दी हुई है उसी के माध्यम से हम ये मैन्युअली काम करके और आगे बढ़ते हैं ठीक है अगर मशीन लगा भी ली तो शायद एक पाँच दस परसेंट से कुछ फायदा भी हो जाएगा लेकिन हमने फायदे नुकसान की बात तो शुरुआत से नहीं की क्योंकि हम ये फायदे नुकसान के चक्कर से बाहर आकर हमारा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ब्लाइंड मित्र है वो अपने पैर पर खड़े हों जो कभी जिनको कोई ए, इंसान समझने के लिए लोग तैयार नहीं थे बस हम चाहते हैं कि वो समाज की मुख्य धारा में आए और इसका नतीजा भी दिखने लगा है कि जो कभी अपने घरों पे बोझ रूप थे आज वो पैसा कमाकर अपने घर का बोझ उठाने लग गए उनके एजुकेशन उनकी शादियाँ हर तरह से मुमकिन होने लगी मनीष जी हर साल हम यहाँ पुना में पच्चीस से तीस सामूहिक शादियाँ भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं जो हमारे ब्लाइंड मित्रों की यहाँ की जाती है जी तो इस तरह से हर कोई समाज की मुख्य धारा में आने लग गया है तो ये ज़्यादा खुशी देता है जी थैंक यू चलिए थैंक यू सो मच एक कहावत थी कि नॉट अ कहावत बट दिस प्रोसेस दैट की सब हर कोई इंसान जो है दुनिया में हैंडी कैप्ट है इट दस दैट कुछ का विजिबल है और बाकी बहुत सारों का इन विजिबल है सो इन सम वे वी ऑल आर हैंडी कैप्ड इन सम वे एंड आज हमने जो फर्क देखा कि हम अपने हैंडी से अटक जाते हैं और कोई इंसान अपने हैंडी के बाद आगे बढ़ जाता है बट इन अ वे वी ऑल आर इन सम वे स्टक विद आर ओन लिमिटेशन एंड टूडे वी हैड एक सिचुएशन हमने देखी हमने एक स्पीकर को सुना कि जिन्होंने रुकना सीखा नहीं और वहाँ बैठे बैठे जितना भी मैं सुन रहा था बार बार तो मेरे मन में एक यही बात आ रही थी कि आज के इस शाम को बहुत सारे मेंबर्स ने लाइटली लिया एंड मुझे उसी का मैं सुन रहा था और मैं बार बार वहाँ जाने से अपने आप को रोक रहा था कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज मुझे इनको सुनना है लेकिन बार बार मन कह रहा था कि क्यों कुछ लोगों ने इसको लाइटली लिया क्योंकि मुझ पर कुछ मैसेजेस आए कि हम नहीं आ हाँ पाएंगे हमारा ये काम है किसी का बिजनेस डील है किसी का कुछ है और बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज नहीं किया तो उन्होंने अपने जी में बोला होगा या अपने मन में बात करी होगी तो मुझे लगा कि आज उन्होंने क्या मिस किया उनको हम बता नहीं सकते और उनको बताएंगे भी तब भी उनको समझ नहीं आएगा उन्होंने क्या मिस किया और दूसरा मुझे खुद पे पर हो रहा था कि थोड़ा सा मैं और जोर लगाता तो मैं शायद आप लोगों को बोलता कि आप आओ नहीं आओ चले गए लेकिन आपके बच्चों को जरूर आना चाहिए था आज अगर आज अपने बच्चे होते इधर सबके तो आज जो वो जो सुन के जाते तो शायद बहुत कुछ करने के लिए उनके अंदर कहीं ना कहीं एक मोमबत्ती हमने आज डाल दी होती जो लाइफ लॉन्ग वो मोमबत्ती उनके अंदर जलती आज हम शायद कहीं हो चुके तो मुझे वहाँ बैठे बैठे एक्सर लग रहा था कि ये कैसे मिस कर दिया नाउ दिस इज द इम्पैक्ट एंड दिस इज द पावर ऑफ वॉट भावेश जी ब्रॉट इन हियर कि उनका उनका काम को देख रहे हैं उनकी जिंदगी को सुन रहे हैं और एक के बाद एक के बाद वो जो बात कर रहे हैं अपने काम के बारे में वो तो हमें प्रेरित कर ही रहा है उसके बाद उनकी शायरियाँ आ रही हैं उसके बाद उनके मेडल्स आ गए सो so, उनकी बुक आ गई उनके इतने ऑनर्स आ गए डॉक्टरेट्स आ गए तो हम सब जो सब कुछ हम बात करते हैं है वी आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग सो हम कहाँ अटक रहे हैं समवेर इट्स अ टाइम दैट वी आस्क दिस क्वेश्चन टू आर्सल्स कि हम कहाँ अटक रहे सो मच टू टेक बैक फ्रॉम एवरी वर्ड ऑफ ऑफिस एवरी स्टेटमेंट ऑफ ऑफिस एंड आई थिंक भावे जी कैंडल्स तो है वो तो है लेकिन आज आपने जो ये मन के अंदर का जो दिया जलाया है ये मुझे लगता है कि ये लाइफ लॉन्ग जलने वाला है हम सबके अंदर दैट इज पर आई हैड थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू क्वाइट अ फ्यू पॉइंट्स लेकिन मैं इनके टॉक को डायल्यूट नहीं करना चाहता हूं एंड आई वॉन्ट टू गो होम विद हिस टॉक्स विद हिज वर्ड्स विद हिस सेंटेंसेस वो आपके मन में लिंगर करते रहें वो घंटी बजाते रहें और वो हिलते रहे और आपको बार बार इस शाम की याद दिलाते रहे सो आई विल नॉट शेयर वॉट हैड कम ये टू शेयर जस्ट अ फ्यू थिंग्स आई आई फील जस्ट टू रिमाइंड यू बिकॉज ये साल का आखिरी सेफ मीट है कैलेंडर ईयर का राइट right? ना तुम्हारी जिंदगी का ना मेरी जिंदगी का इस कैलेंडर ईयर का आखिरी सेफ मीट है वी गोड मीट अगेन नेक्स्ट मंथ बट बिफोर दैट देर इज़ अ ब्यूटिफुल इवनिंग कमिंग अप एंड दैट इज वॉट मैनी पीपल वेट फॉर बहुत से क्रिस्ट वेट करते हैं फॉर मेगा एच एम दैट इज गोड कम इन सो so, मुझे लगता है कि भाभी जी ने बात करी कि ये सेफ नीट है जहाँ मिलते हैं मिलते रहना चाहिए एक अच्छी संगत है एक अच्छा ग्रुप है जिसमें वी आर वी आर अलाइंड विद ईच अदर विद आर थाट्स तो मेगा मैगाचम है आई वॉन्ट यू टू कम फॉर मेगा मैगएचम विद योर फैमिली आज बच्चे नहीं आए लेकिन उस दिन बच्चे आने चाहिए कहीं ना कहीं आज के टॉक का अंश भी मेरे अंदर रहेगा जब मैं बात करूँगा दस तारीख को एंड मेरा रिक्वेस्ट है जस्ट मैं मेगा मैगचम की याद बात कर रहा था एक ऑन्ट्रप्रनर से सुबह तो मुझे एक, एक किस्सा याद आया एंड मै गैच एम इज फॉर यू एन यॉर यैमिली मेम्बर्स ठीक है ये टीम हम नहीं है जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू फॉर दैट और मुझे इसलिए याद आया क्योंकि uh, कुछ साल पहले वन ऑफ द आंट्रोपिनर्स ही कॉल मी ही सेट सर मेरी टीम को आप एड्रेस करेंगे तो मेरी टीम ने बात करी अंधे से हाँ एड्रेस करेंगे ही आर ए टीम ऑफ अराउंड नाइन्टी ऑर्ट पीपल सो इस कैन यू कम एन टॉक फॉर वन वन एंड हाफ टू आवर्स दैट्स वॉट वी डू आप आइए हम आप बताइए हम करेंगे सो टीम वॉज इन टच विद हिम बट इस वो शायद इन वॉइस गई होगी तो इन वॉइस सुन के वो हिला वेद दिन वॉइस वेट टू हेम दैट इट्स गोड बी आर वन एंड हाफ टू लैक रू बी टॉक सो ही डिड नॉट परस्यू दैट मैटर स में टीम अगेन के अरे सर ऐसे आते नहीं सर आएंगे बट इफ यू वॉन्ट टू आर टॉप फ्रॉम इज साइड देन इट्स अ प्रोफेशनल असाइनमेंट अदरवाइज ही नॉर्मली कम्स वो आते हैं कहीं ना कहीं एक रेट डालते हैं रेट डालते हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भी जाते हैं और वो टीम से बात करे बने निकलते हैं ऐसा होता नहीं कभी वो पांच दस पंद्रह मिनट आधा घंटा बात करते हैं एंड दैट्स वॉट इज वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर द टीम बट इफ यू वॉन्ट प्रोफेशनली देन यू हैव टू कॉल इम प्रोफेशनली तो खैर वो बात नहीं हुई टीचर महीने निकल गए एंड देन वी हैड एन ओपन टॉक और वो ओपन टॉक था तो अराउंड 700 800 उसमें लोग बैठे थे हॉल के अंदर मे बी मेगा एचएम और सम अदर टॉक तो उसमें उसके 90 लोग थे तो मेरी टीम का सर वो पूरी टीम को लेके आया मैं कहा इसको बोलते हैं तो फिर हमने भी सीखा समझा हमने कहा अच्छा तो फिर मेरी मैंने कहा आपसे मैं रिक्वेस्ट पहले कर दूं उस दिन टीम को मत लेके आना मतलब इफ़ यू यू गेट इन योर योर सीनियर फोर फाइव पीपल देअ तो अगर टीम को मोटिवेट करना है मैं आऊंगा मुझे बुलाइए आई मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ या फिर टीम हम में लेके आइए टीम हम में रहेंगे बट दिस इज फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर सीनियर पीपल जिससे आप, आपको अलाइन करना है बट दैट टेंथ इवनिंग इज गोइंग टू बी एन ऑसम इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई हैड अ फ्यू पॉइंट्स टू शेयर बट मैं उन पॉइंट्स को अपने पास ही रखता हूँ और नेक्स्ट सेफ मिड क्लिन को रखता हूँ टिल दैट आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ट्वेंटी एंड इट्स टाइम टू वेलकम ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ये नया साल है तो फिर हमारा भी नया रूप होना चाहिए

जितने भी मेम्बर्स यहां बैठे हैं उनके बिहाफ में आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कल एक एक चेक निकाल के देना फॉर सी एफ मेंबरशिप राइट हाँ अब ऐसे मत देखो मुझे uh, हाँ तो इसलिए तो तुम्हें लाए इधर और क्यों लाए हाँ सो so, अब इन्होंने क्या बोला सब कुछ बढ़िया है लेकिन अगर मार्केटिंग नहीं करी भाव जी मैं ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा कितना भी अच्छा ये इवनिंग हो देखो आज मार्केटिंग की कमी रह गई राजेश आज मार्केटिंग की कमी रह गई

ये खास, और खास आपके लिए और सीएफ के लिए है कि हे खुदा हे खुदा तेरी इनायत का शुक्रिया परेशानियों को आसान बना दिया हे खुदा तेरी इनायत का सुक्रिया के परेशानियों को आसान बना दिया और समेट कर अच्छा सारे जहान की उसमें से तूने हमारे मनीष जी और सीएफ को बना दिया अरे क्या बात क्या बात Gracias.